अक्षय तृतीया पर घटी थी ये पौराणिक धार्मिक घटनाएं। अक्षय तृतीया या आखा तीज बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को कहते हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं उनका अक्षय फल मिलता है, इसी कारण इसे अक्षय तृतीया कहा जाता है। वैसे तो सभी 12 महीने की शुक्ल पक्षीय तृतीया बेहद शुभ और पुण्यदायी होती है, किंतु बैसाख माह की तिथि स्वयं सिद्धि मुहूर्त में मानी जाती है। अक्षय तृतीया के दिन घटी थी ये धार्मिक और पौराणिक घटनाएं। इस दिन भगवान नर नारायण का सहित परशुराम और हयग्रीव का अवतार हुआ था। इस दिन माँ गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। इसी दिन ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का जन्म भी हुआ था। अक्षय तृतीया के दिन ही रावण के सौतेले भाई यक्षराज कुबेर को खजाना मिला था। अक्षय तृतीया के दिन श्री कृष्ण के सखा सुदामा द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण से मिलने पहुंचे थे। ऋषभ देव जी ने किया था व्रत का पारण। प्रथम तीर्थ कर आदिनाथ ऋषभ देव जी भगवान के 13वें महीने के कठिन उपवास का पारण गन्ने के रस से किया था। अक्षय तृतीया के दिन से ही वेद व्यास और भगवान गणेश ने महाभारत ग्रंथ लिखना शुरू किया था। इसी दिन सतयुग और त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था और द्वापर युग का समापन भी इसी दिन हुआ था। इसी दिन आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कनक धारा स्रोत की रचना की थी। इसी दिन महाभारत की लड़ाई खत्म हुई थी। इसी दिन उत्तराखंड में स्थित 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खुलते हैं। अक्षय तृतीया के दिन भगवान जगन्नाथ का भव्य रथ बनाना प्रारंभ किया जाता है। श्री कृष्ण ने बताया था कि इस दिन का महत्व, इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के पूछने पर यह बताया था कि आज के दिन जो भी रचनात्मक या सांसारिक कार्य करेंगे उसको पुण्य मिलेगा। अक्षय तृतीया के दिन ही वृंदावन के बांके बिहारी जी के मंदिर में श्री विग्रह के चरणों के दर्शन होते हैं। अक्षय तृतीया के दिन ही अन्न और रसोई की देवी माँ अन्नपूर्णा का जन्म हुआ था। अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को चीरहरण से बचाया था।